नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत इस वक्त की चार बड़ी खबरों के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर जमकर निशाना साधा। बोले 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन टूटकर खटाखट गिरेगा। बंगाल में नहीं रुक रही चुनावी हिंसा, पूर्वी बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, तो वहीं दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता को मारकर फंदे पर लटकाया। रायबरेली के गढ़ में कल गांधी परिवार का शक्ति प्रदर्शन, उससे पहले प्रियंका गांधी ने किया इंडिया गठबंधन की जीत का दावा, बोली एनडीए का 400 पार का दावा खत्म। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की जांच करने उनके घर पहुंची दिल्ली पुलिस, आरोपी विभव कुमार को महिला आयोग ने भेजा समन। मीडिया के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने साधी चुप्पी। और चलिए आगे बढ़ेंगे बात पते की। मैं जो पहली खबर है वो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला दक्षिण 24 परगना से सामने आया, जहां धीमान मंडल नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा गया, जिसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता धीमान अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तभी तृणमूल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ता को ऐसा करने से मना किया, और जब वो नहीं माना तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। তখন চিন্ময় বাড়ুয়ের পাড়া থেকে একজন মস্তান তৃণমূলের হারমা ধোয়াইনি, সে এসে অটোর চাবি খুলে নেয় এবং আমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। दूसरी घटना पूर्वी वर्धमान से सामने आई है। वहां संदिग्ध हालात में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष का शव मिलने से हड़कंप मच गया, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद लोगों को शांत कराया, साथ ही जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला दक्षिण 24 परगना से सामने आया, जहां धीमान मंडल नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तपस वैद्य को कुछ लोग जबरन उठाकर अपने साथ ले गए और आज सुबह उनका शव पास के जंगलों में एक पेड़ से लटका मिला। आरोप है कि तापस वैद्य की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। हालांकि शव मिलने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों को वहां तैनात कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से ही हिंसा की एक और घटना सामने आई। वहां टीएमसी के एक कार्यकर्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तृणमूल कार्यकर्ता का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला, परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं देती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। तरफ ममता जी का सरकार का डेवलपमेंट और दूसरी तरफ भाजपा का बंगाल के खिलाफ जो उनका पॉलिटिक्स है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अमित शाह जी का जो इस सब डायलॉग है उसका खिलाफ पब्लिक ममता दीदी को वोट देंगे। एक दिन पहले ही टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एक नेता के कान को काट लिया गया था। इस बीच पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव का पर्याय बन गई है हिंसा, उसी को लेकर हमने ये दो खबरें आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के भदोही में एक सभा की, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में वोट जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर, टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना, टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना, टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी वॉशिंग मशीन का जिक्र करते हुए दावा किया कि भ्रष्टाचार करने के बाद बीजेपी में शामिल होते सारे गुनाह साफ हो जाते हैं। सामने इलेक्शन
मोदी बाबू की बोल के मोदी बाबू बोले बोलबो ना एखने ग्यारंटी बाबू बोले बोलबो अपनारा बुझे नेबेन भाजपा वाशिंग मेशिन ये माइकगुलो देखते यही रकम एक वाशिंग मेशिन धरे नीन वाशिंग मेशिन भाजपा वाशिंग मेशिन भाजपा वाशिंग मेशिन भाजपा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का कारवां अब पूर्वांचल में पहुंच चुका है जहां छठे और सातवें चरण में मतदान होना है। पूर्वांचल की रणभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने आजमगढ़ के लालगंज जौनपुर भदोही और प्रतापगढ़ में धुआंधार प्रचार किया। लालगंज में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने सीएए के मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? पूर्वांचल पिछले दो लोकसभा चुनावों से बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। 2019 में पूर्वांचल की 30 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 22, बीएसपी को 5 और एसपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इधर जौनपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस और एसपी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की। और योगी जी ने यहाँ दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। आजमगढ़ के लालगंज और जौनपुर में जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतापगढ़ पहुंचे और विपक्षी गठबंधन पर खटाखट अंदाज में हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और राहुल गांधी और अखिलेश यादव विदेश छुट्टियां मनाने चले जाएंगे। इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। 4 चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन और भी सक्रिय नजर आ रहा है। आज लखनऊ में अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला और दावा किया कि बीजेपी 140 सीट भी नहीं जीत पाएगी, तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। दरअसल 4 चरणों में यूपी की 80 सीटों में से 39 सीटों पर मतदान हो चुका है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि एनडीए इन 4 चरणों में बुरी तरह पिछड़ गया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी के 3 दिन बाद अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन लखनऊ में गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वाति मालीवाल के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली।
विवाद तब और बढ़ गया जब ये पता चला कि मारपीट का आरोपी विभव भी केजरीवाल के साथ लखनऊ पहुंचा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर केजरीवाल के साथ विभव की तस्वीर भी सामने आई और समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी विभव गाड़ी में बैठा रहा, जिसे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया ताकि कोई उसकी तस्वीर न ले सके। इस दौरान उहापोह जैसी स्थिति बन गई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मीडिया को गाड़ी तक नहीं पहुंचने दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल मौन रहे और माइक अखिलेश यादव की ओर कर दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरविंद केजरीवाल के मौन पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए और इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के घर पहुंचकर करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। बीजेपी ने पूछा कि महिला अत्याचार के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन चुप क्यों है? महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं, और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि स्वाति मालीवाल कहाँ है और वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं? इधर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पेश होने के लिए तलब किया गया। NCW ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव, उनको कल पेश होने के लिए बुलाया है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर स्वाति मालीवाल कहाँ है और वो क्यों सामने नहीं आ रही हैं। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो आपस में इस मुद्दे पर फैसला लेंगे। कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से पूछताछ की है, लगभग 4 से 4.5 घंटे ये पूछताछ चली है। NCW ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है और विभव कुमार को समन किया है। NCW ने केजरीवाल के पीए को कल तलब किया है। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब बाहर निकल चुकी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनके घर पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादियों में दूल्हा दुल्हन को मिलने वाले उपहार की लिस्ट बनाने का सुझाव दिया है। दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शादियों में मिलने वाले उपहार की एक लिस्ट जरूर बनाई जानी चाहिए और उस लिस्ट पर दूल्हा दुल्हन दोनों के दस्तखत भी होने चाहिए। कोर्ट का यह भी मानना है कि ऐसा करने से दहेज के झूठे आरोपों और शादी के बाद होने वाले विवादों को रोका जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शादी में दूल्हा दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज नहीं माना जाता है। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम 1985 के तहत दूल्हा दुल्हन को मिलने वाले उपहार की एक लिस्ट बननी चाहिए। भारत में शादी के दौरान उपहार देने का रिवाज है और इसी रिवाज को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया था। केस की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि शादियों में अधिकारियों को भी भेजा जाना चाहिए, जिससे दहेज के मामलों को रोका जा सके। पटना में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पेपर लीक मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई। जी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे ही ठोस सबूत लगे हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। साथ ही उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर भी रटवाए गए। हालांकि पटना पुलिस को इसकी जानकारी पहले ही लग चुकी थी और यही वजह थी कि परीक्षा खत्म होने से पहले ही पुलिस पटना में एक परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई थी। 5 मई को पटना पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि नीट का पेपर वो लीक हो गया है। पटना के इसी DAV स्कूल में जो नीट का सेंटर है, इसमें 28 नंबर कमरे में एक शख्स बैठा है जो परीक्षा दे रहा है, जिसका नाम आयुष राज है, और उस लड़के को नीट का पेपर मिला हुआ है।
और परीक्षा खत्म होने के बाद जैसे ही आयुष नाम का छात्र बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आयुष से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने इस मामले में कई और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के पास आरोपियों के दर्ज बयान की कॉपी जी न्यूज के हाथ लगी है। परीक्षा खत्म हुई और जैसे ही आयुष राज बाहर निकला, पुलिस ने उसे अपने हैंडओवर में ले लिया और उससे पूछताछ के बाद चार मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया और बाद में इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही दावा है कि पुलिस ने आरोपियों के पास से पेपर के साथ ही कई और चीजें भी बरामद की हैं। और पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें इस रैकेट को चलाने वाले 3 आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट को सिकंदर प्रसाद, यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार चलाते थे। सिकंदर का काम ऐसे छात्रों को तलाशना था जो पेपर के बदले लाखों रुपए खर्च कर सकते थे, जबकि अमित आनंद और नीतीश कुमार पेपर लीक करवाते थे और जगह का इंतजाम करते थे जहां छात्रों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा सकें। सिकंदर पेपर के बदले हर छात्र से करीब 40 लाख रुपए वसूलता था, जिस वजह से वो 32 लाख रुपए अमित आनंद और नीतीश कुमार को देता था, जबकि बाकी पैसे अपने पास रख लेता था। परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को उस जगह पर ले जाया जाता था और उन्हें पूरी रात प्रश्नों के उत्तर रटवाए जाते थे। कर्नाटक के हुबली से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां लड़की के प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर एक लड़के ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़का चाकू लेकर लड़की के घर पहुंचा था और सुबह 5 बजे आरोपी ने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। लड़के ने लड़की के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, आरोपी ने उसे पेट पर चाकू घोंप दिया और इसके बाद वहां से फरार हो गया। चाकू लगने से 21 साल की अंजलि बुरी तरह घायल हो गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मर्डर की इस वारदात के बाद वहां चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ लग गई और रिश्तेदार बेटी की मौत पर फूट फूट कर रोने लगे। चूंकि अंजलि की बहन इस निर्मम हत्याकांड की चश्मदीद है, इसीलिए वो पूरे मंजर को देखकर पूरी तरह सहम गई और उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। अंजलि की बहन यशोदा ने बताया कि गिरीश कई महीनों से अंजलि के पीछे पड़ा था और उन्होंने पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए अंजलि को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने गढ़ को बचाने में जुटा गांधी परिवार कल रायबरेली और अमेठी में एक बड़ी रैली करने वाला है। इंडिया गठबंधन की इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया समेत गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, जिनमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी होंगे। क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने रायबरेली में डेरा डाल दिया है, जिनमें कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हैं। इस बीच प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी वहां कई जनसभाएं करती नजर आईं। 4 चरण हो गए, अब 400 पार खत्म, अब ये क्यों नहीं निकल रहे ये लफ्ज इनके मुंह से? रायबरेली में भी जीतेंगे, अमेठी में भी जीतेंगे। कांग्रेस नेताओं ने रायबरेली से राहुल की जीत का दावा किया। प्रियंका जी कमाल संभाली है, सारे कार्यकर्ता यहाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल में जाके काम कर रहे हैं और फिर रायबरेली से गांधी नेहरू परिवार का 100 साल का पुराना संबंध है। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए एसपी कार्यकर्ता भी जुटे नजर आए। रायबरेली की रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के जोर शोर से प्रचार के साथ ही पूरे शहर में गांधी परिवार की तस्वीरें भी लगा दी गई हैं, जिनमें राहुल गांधी की जीत का दावा किया गया है। दांव पर लगी साख को बचाने में जुटे गांधी परिवार की इस रैली में बड़ी भीड़ जुटने की बात भी कही गई। कहा जा रहा है कि इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके साथ अखिलेश यादव सहित जो कांग्रेस का पूरा कुनबा है वो मौजूद रहेगा और इस रैली को ऐतिहासिक बनाकर अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए। जनता पूरे मूड में तैयार है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पूर्ण बहुमत से जीतेगी। इस बीच पीएम मोदी ने एक जनसभा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव को भी घेर लिया और सहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले सहजादे हो या दिल्ली वाले, ये सहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट।
पीएम ने इस दौरान चुनाव के बाद इंडी गठबंधन के टूटने का दावा भी किया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे नोएडा में मारपीट करके पूरी तरह फंस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और गिरफ्तारी की कवायद भी तेज कर दी। और आज सुबह भी अमानतुल्ला खान के दिल्ली स्थित घर पर नोएडा पुलिस पहुंची। नोएडा पुलिस के 6 जवान अमानतुल्ला खान और उनके दबंग बेटे को गिरफ्तार करने पहुंचे, तो अमानतुल्ला खान अपने बेटे के साथ घर से गायब मिले। कहा जा रहा है कि विधायक और उनका बेटा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। दरअसल नोएडा के सेक्टर 96 में स्थित पेट्रोल पंप में मारपीट करने के मामले में नोएडा पुलिस अमानतुल्ला खान और उनके बेटे की तलाश कर रही है। नोएडा पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पूरे केस की जांच में नोएडा पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अमानतुल्ला खान गिरफ्तारी के डर से अपना मोबाइल बंद करके फरार है। नोएडा के सेक्टर 24 में एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां भयंकर चीख पुकार मच गई। रिक्शे में कुल 5 लोग बैठे थे जो कार की टक्कर लगते ही दूर जाकर गिरे। टक्कर कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगने के बाद ई रिक्शा कार में ही जा फंसा और रिक्शे के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में रिक्शा सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सेक्टर 110 में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं टक्कर के बाद पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। ये घटना नोएडा सेक्टर 24 के सुमित्रा हॉस्पिटल के पास हुई। बताया जा रहा है कि रिक्शे से लोग नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 12-22 की तरफ जा रहे थे, तभी बीएमडब्ल्यू कार ने पीछे से टक्कर मार दी। अगर आप भी सड़क किनारे मिलने वाला जूस पीते हैं या कटे हुए फल खाते हैं, तो ये खबर फिर आपके लिए है। डॉक्टर्स के मुताबिक सड़क किनारे बेचे जा रहे जूस में इंडस्ट्रियल बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाली बर्फ 2 तरह की होती है, पहली इंडस्ट्रियल बर्फ और दूसरी खाने वाली बर्फ। इंडस्ट्रियल बर्फ बनाते वक्त हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, साथ ही इंडस्ट्रियल बर्फ को पानी के साथ घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, घुली हुई ऑक्सीजन और कई तरह के माइक्रोब्स को मिलाकर बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल बर्फ को कच्ची बर्फ भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने की चीजों को ठंडा और फ्रेश रखने के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल बर्फ खाने से हेपेटाइटिस ए, उल्टी, पीलिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं खाने वाली बर्फ को साफ पानी से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में किया जा सकता है। इस बर्फ को खाने से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता। कई दुकानदार जूस में केमिकल और गंदे पानी का इस्तेमाल भी करते हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। साथ ही सड़कों पर उड़ती धूल और गंदगी की वजह से खुले में बिकने वाले जूस और फल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को हैंडलोवा शहर में जान से मारने की कोशिश की गई। हमलावर ने फिको पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 5 गोलियां दागी, जिसके बाद वो घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। तो वहीं स्लोवाकिया के उप प्रधानमंत्री टॉमस तराबा ने बताया कि फिलहाल फिको की जान को कोई खतरा नहीं है। दरअसल रॉबर्ट फिको पर हमला स्लोवाकिया की राजधानी ब्रासिलावा से लगभग 100 किलोमीटर दूर हैंडलोवा में हुआ। उस समय हुआ जब वो एक सरकारी बैठक खत्म करने के बाद लोगों से मिल रहे थे। इस दौरान फिको के साथ उनके 5 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे, लेकिन तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने रिवॉल्वर निकाली और फिको पर एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दी। Strašne sme na ňoho dlho čakali, tešili sme sa a išli sme mu ruky podávať aj pán vedľa, aj takto ďalší a v tom momente niečo ako dielobuch nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem dielobuch. Prvá moja reakcia. गोली लगते ही फिको जमीन पर गिर गए, जबकि उनके बॉडीगार्ड्स ने हमलावर को दबोच लिया। इसके बाद पीएम के सुरक्षा गार्ड और उनके सुरक्षा घेरे के दूसरे लोग उन्हें गाड़ी में ले गए। पीएम को पास के अस्पताल तक एयरलिफ्ट करके ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें हैंडलोवा के बांस्का बिस्ट्रिका के एक दूसरे अस्पताल तक पहुँचाया गया। लेकिन सवाल ये है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को जान से मारने की कोशिश किसने और क्यों की? अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक रॉबर्ट फिको को गोली मारने वाले शख्स का नाम जुराज सिंटुला है। संदिग्ध हमलावर एक 71 साल का लेखक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और एक निजी सुरक्षा कंपनी का पूर्व कर्मचारी है। और बताया जा रहा है कि जुराज सिंटुला प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की नीतियों से नाराज था।
चार बार प्रधानमंत्री रहे रॉबर्ट फिको पर आरोप है कि उन्होंने स्लोवाकिया की विदेश नीति को रूस के पक्ष में खड़ा करने का काम किया। इस साल जनवरी में उन्होंने यूक्रेन को ये कहते हुए सैन्य सहायता रोक दी थी कि नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को संघर्ष के लिए उकसाया है। 59 साल के फिको बीते साल सितंबर में चुनाव के बाद पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट गठबंधन के अगुवा के तौर पर सत्ता में लौटे थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके शुरुआती कुछ महीने राजनीतिक रूप से बहुत अधिक विवादास्पद साबित हुए। यही नहीं, पिछले महीने उन्होंने सरकारी प्रसारक RTVS को खत्म करने का ऐलान किया, जिसका स्लोवाकिया के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध भी किया था। फिको की वापसी ने स्लोवाकिया के पश्चिम समर्थकों की चिंताएं बढ़ा दी थीं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इन्हीं वजहों से उनकी हत्या की कोशिश हुई हो। लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से सरकार का विरोध करना तो सही है, लेकिन जिस तरह रॉबर्ट फिको पर हमला किया गया उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। लिहाजा दुनिया भर के नेताओं ने रॉबर्ट फिको पर हुए जानलेवा हमले की आलोचना करने में देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुई गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करता हूं और PM फिको के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस मुश्किल समय में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे हिंसा का डरावना स्वरूप बताया। We condemn this horrific act of violence in our embassies and close touch with the government. जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। रूस को भारत का जिगरी यार कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर जब भी कोई मामला फंसता है तो दोनों देश एक दूसरे का साथ देते हैं, मगर रूस भारत की दोस्ती के बीच अब चीन की भी एंट्री होने लगी है। दरअसल पांचवी बार राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपनी पहली स्टेट विजिट में सीधे चीन पहुंचे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजिंग में पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया और इस दौरान सोवियत एरा की धुन बजाई गई। गौर करने वाली बात ये भी है कि पुतिन दो दिन की चीन यात्रा पर अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला बीजिंग पहुंचा है। पुतिन अपने साथ जो प्रतिनिधि मंडल लेकर बीजिंग पहुंचे हैं, उनमें 5 उप प्रधानमंत्री, आर्थिक राजनयिक सलाहकार, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा, रूसी रेलवे के अधिकारी, रोसेटॉम परमाणु ऊर्जा निगम के प्रमुख और रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष निगम के प्रमुख शामिल हैं। इतना ही नहीं, रूस के 20 प्रांतों के सीनियर अधिकारी भी पुतिन के साथ बीजिंग पहुंचे हैं। तो शायद इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और चीन के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो पुतिन अपने मिशन बीजिंग के तहत चीन गए हैं। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहली स्टेट विजिट के लिए चीन को चुना है। उनका मकसद बिल्कुल साफ है और वो ये कि यूक्रेन युद्ध में चीन से और ज्यादा मदद हासिल की जाए। चीन से ऐसे हथियार लिए जाएं जो युद्ध में कारगर साबित हों। इन हथियारों में से एक है लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन। इसके अलावा पुतिन चीन से आर्थिक मदद हासिल करना चाहते हैं। वो युद्ध की वजह से बर्बाद हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। यही नहीं, वो चीन पर दोस्ती निभाने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। Find it unacceptable that the Chinese companies are helping Putin wage this war against Ukraine. And if China purports to want good relations with Europe and other countries, it cannot continue to fuel the biggest threat to European security right now. गौरतलब है कि पुतिन पिछले साल अक्टूबर में भी चीन की यात्रा पर गए थे। चीन और रूस ने फरवरी 2022 में नो लिमिट्स पार्टनरशिप का ऐलान किया था, जबकि पुतिन और शी जिनपिंग 43 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए झटका साबित होगी? क्या पुतिन और शी जिनपिंग की करीबी से भारत को नुकसान होगा? जानकारों का मानना है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रूस मजबूरी में चीन से हाथ भले मिला रहा है। उसे अच्छी तरह पता है कि ड्रैगन की फितरत क्या है। चीन के विस्तारवाद से रूस अच्छी तरह वाकिफ है। आपको बता दें कि चीन की नजर अब रूस के व्लादिवोस्तोक इलाके पर है। इस इलाके में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, उसने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर का नाम हैशन वेई रख दिया, जिसके बाद रूस ने भारत को व्लादिवोस्तोक में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस रूसी शहर के पास भारत एक सैटेलाइट शहर बसा रहा है। भारत ने चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने के लिए एक मैरिटाइम कॉरिडोर बनाया है और व्यापार भी शुरू हो गया है। रूस की कोशिश है कि भारत की मदद से इस फार ईस्ट इलाके में चीनी प्रभाव को कम किया जा सके।
मतलब ये कि पुतिन भले ही अपनी जरूरत के लिए जिनपिंग से हाथ मिलाएं, लेकिन जब सवाल भारत का आएगा तो वो तटस्थ रुख अपनाएंगे, जिसे किसी न किसी मायने में भारत की कूटनीतिक जीत कहा जाएगा। और बात पते की में इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वलसाड़ से ये बड़ी खबर, जहां एक कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग इतनी भयानक है कि उससे उठती लपटें और धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। आग कैसे लगी इसका पता तो अभी नहीं लगा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस आग से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। ये आप देखिए, आग की लपटों को देखकर, उठते काले धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है। गुजरात के वलसाड़ में ये आग लगी है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर फौरन पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया। ये देखिए काला उठता हुआ धुआं, हालांकि वजह अभी साफ नहीं है। भारत में गर्मी के 40 डिग्री वाले टॉर्चर से लोग परेशान हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पारा चढ़ता जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी है कि पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 17 से 20 मई तक उत्तर भारत के कई राज्यों में गंभीर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिनमें शामिल है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के लिए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि यहां 18 और 19 मई को पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो इस वीकेंड से दिल्ली में भी लू की शुरुआत हो सकती है। दिल्ली में 18 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है और दिन में तेज हवाओं और लू के साथ चिलचिलाती धूप लोगों को और परेशान कर सकती है। वहीं चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी करने के साथ हीटवेव की भविष्यवाणी की गई है। हम आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में किसी भी स्टेशन पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा होता है तब हीटवेव की स्थिति बनती है। फ्रांस का न्यू कैलेडोनिया टापू बीते कुछ दिनों से दंगे की आग में चल रहा है। न्यू कैलेडोनिया में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां सेना को तैनात करना पड़ा है और पूरे टापू पर इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि दंगाइयों ने टापू के कई हिस्सों में जमकर आगजनी की है। कई जगहों पर तो इतनी भीषण आग लगी कि उससे उठते धुएं ने आसपास के पूरे आसमान को ढक लिया। आग और धुएं का ये कोहराम कई किलोमीटर दूर से ही नजर आया। दंगाइयों ने शहर की सड़कों पर भी जमकर उत्पात मचाया और सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक दंगे के निशान बिखरे नजर आए। दर्जनों दुकान और मकान इस आग में जलकर राख हो गए। दंगाइयों ने सैकड़ों लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। न्यू कैलेडोनिया में भड़के दंगों में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालात बेकाबू हुए तो फ्रांस सरकार एक्शन में आई, तो सड़कों पर सेना उतार दी गई। राजधानी नोमिया में कर्फ्यू के साथ ही पूरे टापू पर इमरजेंसी लगा दी गई। हालांकि पूरा फ्रांस इन दंगों से अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया टापू दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में है और फ्रांस से करीब 17,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस टापू पर फ्रांस का शासन है और यहां से जुड़ा हर फैसला फ्रांस सरकार ही लेती है। 1853 से ही न्यू कैलेडोनिया टापू पर फ्रांस का कब्जा है। यहां के मूल निवासी लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं और फ्रांसीसी शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस सरकार के एक फैसले ने न्यू कैलेडोनिया के लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। मंगलवार को फ्रांस की संसद में न्यू कैलेडोनिया से जुड़े एक संविधान संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस प्रस्ताव में टापू पर रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को ज्यादा वोटिंग अधिकार देने की बात कही गई है। इस फैसले के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव होंगे, जिससे टापू पर फ्रांस सरकार की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासियों के अधिकार कम हो जाएंगे। इसीलिए प्रस्ताव पास होते ही न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासी सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। Z News.